2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों कांग्रेस खुद को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की यात्रा सोमवार को अमरोहा पहुंची, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की। इस दौरान अजय राय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात की और किसानों के मुद्दे पर जमकर बीजेपी को घेरा और लोगों की जमीनें हड़पने का आरोप लगाया। और वो तो ले ही रहे हो, किसान की जमीन भी मुफ्त में लेना चाहते हो। हम कांग्रेस के लोग ये नहीं होने देंगे, कांग्रेस इनके साथ लड़ेगी, जेल जाना होगा, जेल भी हम कांग्रेस के लोग इनके साथ जाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। तीन गांव के लोग हैं, कुबी, मोहनपुर, रामपुर, धना, 350 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरी तरीके से किसान और बहन बेटियां बैठी हैं, बच्चों को लेकर बैठी हैं। क्या मामला क्या बताया आपको इन्होंने? इन्होंने बताया कि 50 बीघे मुझे दिया जा रहा है मुआवजा, जो कि यहाँ की जमीन 50 लाख रुपए बीसे की बीघे की जमीन है, 50 हजार रुपये में कोई देगा? और किसान को अपनी जमीन, ये इनकी पूर्वजों की जमीन है, अपनी जान से ज्यादा प्यारी है जमीने, निश्चित तौर से किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मुझे जानकारी मिली। वही नोटबंदी पर अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले नोटबंदी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार जब 2024 में आएगी तब हम नोटबंदी की जांच कराएंगे। निश्चित तौर से नोटबंदी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये, 2024 में हमारी सरकार आएगी तो नोटबंदी की निश्चित तौर से हम जांच कराएंगे और सारे जितने भी ऐसे लोग उन पर कार्रवाई हो। अजय राय ने सोई प्रसाद के विवादित टिप्पणी को लेकर भी अपनी राय रखी, उन्होंने कहा वो अक्सर गलत बयान देते हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी और पार्टी मुखिया को उन पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वो गलत बात बोलते हैं। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वो गलत बात बोलते हैं। अजय राय ने इस दौरान कई मामलों को लेकर बीजेपी को घेरा, बता दें कि कांग्रेस की यात्रा 20 दिसंबर से चालू है, जो कि करीब 25 दिन बाद खत्म हो जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए खुद को प्रदेश में काबिज करने में जुटी है। बहरहाल यात्रा से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।